बुरा वक्त आने पर क्या इंसान को प्रभु से नाराज होना चाहिए? इंसान को जब मुश्किल आती है तो उस मुश्किल में वो गिर जाता है। जब वो मुश्किल से गिर जाता है तो फिर वो ये सोचता है कि शायद प्रभु मेरी मदद नहीं कर रहे, और उसको गुस्सा पिता परमेश्वर पर और अपने सदगुरु पर आना शुरू हो जाता है। वो सोचता है शायद औरों के लिए तो चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, मेरे लिए ख़राब है, क्योंकि हमें मालूम नहीं हमारे पिछले कर्म क्या हैं। क्योंकि बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी में होता है जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं, तो और हम जिस एज में जी रहे हैं यहाँ पर हम हर एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं इस दिमाग से, तो कई चीज़ें जो इस दिमाग के दायरे के बाहर हैं वो हमारी समझ में आती नहीं, तो हलचल इंसान के अंदर पैदा हो जाती है। क्योंकि जब हम उस अवस्था में जाते हैं तो वो कह रहा है कि जो हमारा मन है, जो हमारा माइंड है, वो हम पे हावी हो गया और वो हमको उस स्टेट पे पहुँचा रहा है जिसमें कि हम असलियत को देख नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे, और जो बाहर की ज़िंदगी है उसी की ओर ध्यान देते हुए सोचते हैं कि शायद हमारे लिए चीज़ें ठीक नहीं हो रही, औरों के लिए तो बहुत अच्छी हैं, और भूल जाते हैं कि जो चीज़ हमारे लिए बेहतर से बेहतर है वही हमारी ज़िंदगी में डल रही है। तो जब इंसान नाराज़ होता है तो वो अपना ही समय बर्बाद कर देता है, उस समय ना इंसान सिमरन कर पाता है, ना भजन अभ्यास कर पाता है, और जो चीज़ें हमें मददगार हैं वो रह जाती हैं, और जो बेकार की चीज़ें उनमें हम पड़े रहते हैं। तो हमें हर समय जानना चाहिए कि जो कुछ हमारे लिए बेहतर हो रहा है या हो सकता है वही हो रहा है, और अगर कोई तकलीफ़ आए भी तो उसे खुशी खुशी झेलना चाहिए, क्योंकि समय के साथ वो तकलीफ़ भी दूर हो जाती है। अच्छा व्यवहार करने के बावजूद भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है? हम सब सोचते हैं कि जब चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती तो वो हमारे लिए बुरी हो गई। हम सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, औरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चल रही होती हैं जिसकी हमें समझ नहीं है, हमारे पिछले कर्म क्या हैं उसकी हमें जानकारी नहीं, कई तकलीफ़ें ज़िंदगी में इस ज़िंदगी से नहीं लेकिन पिछली ज़िंदगी से आ रही होती हैं। तो क्या क्या कर्म हमारी ज़िंदगी में कटने हैं इनका क्योंकि हमें अनुभव नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है, तो इसीलिए हम समझ नहीं पाते कि क्यों हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं। इंसान को जीना चाहिए इस प्रिंसिपल के लिहाज से जो कि है तेरा भाना मीठा लागे, ये जानना चाहिए कि जो कुछ हमारे लिए बेहतर है वो ही हमारी ज़िंदगी में हो रहा है। अपने आप को उस रूप में अगर रखेंगे तो फिर कोई भी चीज़ हमें बुरी नहीं लगेगी। हमें भी जाने कि इस धरती पर इतने लोग हैं और कई लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, और सोच समझ सबकी अलग अलग है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होगी। हम अपने आप को समझें, जानें कि हम सब एक ही हैं, तो हम देखेंगे कि जिसे हम तकलीफ़ समझते हैं वो तकलीफ़ नहीं रह जाएगी। तो हमें अपना नज़रिया बदलना है। वो भाई बहन जो अपना नज़रिया बदल लेते हैं, जो जानते हैं कि हम सब एक हैं, जो जानते हैं कि हर एक चीज़ प्रभु की रज़ा में हो रही है, तो फिर उनको कोई भी चीज़ तकलीफ़ दे नहीं पाती। जीवन का उद्देश्य क्या है? हम सबकी ज़िंदगी का उद्देश्य एक ही है, चाहे हम बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे हम एक फेथ को बिलीव करते हों, चाहे
दूसरे फेथ को बिलीव करते हों, चाहे हम एक देश में पैदा हुए हों या दूसरे देश में पैदा हुए हों, चाहे हम गरीब हों या अमीर हों, चाहे हम अनपढ़ हों या पढ़े लिखे हों, हम सबकी ज़िंदगी का उद्देश्य एक है। ये है कि हम अपने आप को सही रूप में जाने, इसे इंग्लिश में सेल्फ रियलाइजेशन कहा गया है, और अपने आप को सही रूप में जानकर हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराएं, जिसे इंग्लिश में गॉड रियलाइजेशन कहते हैं। तो अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर में लीन होना, प्रभु को पाना, यही उद्देश्य हम सबका है। हम सब जब इस दुनिया में आते हैं तो हमारे घर वाले, हमारे आसपास वाले हमें इस उद्देश्य का जिक्र नहीं करते। सब यही चाहते हैं कि हम इस दुनिया में सही तरीके से सेटल हो पाए। हमें जो सोचते हैं कि हमने बड़ी मेहनत करी, हम बड़े काम करते हैं, इस करके हम वो पा रहे हैं जो हमें मिल रहा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रभु की दया हम सब पर है। हमारे कर्मों के लिहाज से कई ऊंच नीच में से हमें जाना पड़ता है। तो बाहर की दुनिया का फिक्र ना करते हुए जो इंसान जीते हैं, वो ही अपनी मंजिल तक पहुंचने के लायक है। दर्शन सिंह जी महाराज, इन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में समझाया है, वो बार 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 हमें समझाते चले आए हैं। जो दिमाग से जीते हैं, जो सोचते हैं कि सिर्फ मन के दायरे में जीकर हम जिंदगी गुजारें, जो दुनिया की चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं कि इनमें उनकी तरक्की हो, वो हर समय परेशान रहते हैं। और जो प्रभु के प्रेम में जीते हैं, जिन्हें मालूम है कि पिता परमेश्वर की नज़दीकी ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, जो भजन अभ्यास करते हैं, ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करते हैं, वही हैं जो सदा सदा का सुख चैन पाते हैं। तो हम सबका उद्देश्य यही है। तो वो लोग जो अपने उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, वही सही मायने से ये जो ज़िंदगी मिली है इसके मकसद तक पहुंच सकते हैं। और वो भाई बहन जो अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, वो अपने उद्देश्य की ओर तेज़ी से कदम बढ़ाते हैं और उनका छुटकारा 84 लाख जिया जून से हो जाता है। हम अपनी दिनचर्या कैसे बनाएं जिसमें भजन अभ्यास जरूर रहे? जब हमें ये समझ में आ जाता है कि ध्यान टिकाना, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, कि इसके ज़रिए अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे, तो फिर इस कार्य को करने को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। हर रोज़ उठ के बहुत से कार्य करते हैं, जो जो हमें ज़रूरी लगते हैं वही करते हैं। उस दिन हर एक इंसान आजकल पढ़ा लिखा है, वो सोचता है कि क्या क्या चीज़ें मुझे करनी ज़रूरी हैं। तो जब ये समझ में आया कि भजन अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको हम ज़रूर इम्पोर्टेंस देंगे। इसलिए पुराने समय से जो सुबह का समय है 3 से 6 बजे का, जब इंसान उठता है सुबह, सबसे पहला कार्य भजन अभ्यास को दिया जाता था। कि इस समय एक तो फिज़ा में खामोशी होती है, दूसरा ये सबसे ज़रूरी काम है दिन का, और इसके बाद और सारे काम हों। संत कृपाल सिंह जी महाराज भी इस नतीजे पर पहुँचे कि गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट, के पहले हम प्रभु को पाने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, बाकी कार्य उसके बाद करें। तो अगर हम नियम बनाएं कि जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहला कार्य यही होगा कि हम भजन सिमरन के लिए समय निकालेंगे, तो हम देखेंगे बाकी समय
दिन का और कार्य करने के लिए अपने आप हमारा सही होता चला जाएगा। तो इसीलिए प्रेफरेंस भजन सिमरन को देना, मेडिटेशन को देना बहुत ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा हम इसको प्रेफरेंस देंगे, उतना ही हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। ये हो सकता है कि आजकल के टाइम में बहुत से लोग शिफ्टों में काम करते हैं, मशीनें रात को भी चलती हैं, हॉस्पिटल भी चल रहे होते हैं, कई काम हैं जो दूसरे देशों के साथ करने पड़ते हैं, वहाँ सुबह होती है, यहाँ रात होती है। तो अगर आप सुबह के समय में कुछ काम कर रहे हैं, तो आपके लिए जब भी आप सो के उठते हैं, आपको अपना सिस्टम बदलना पड़ता है। जब आप रात को अगर काम पर जाते हो, तो जब भी आप सो के उठो और आप सोचो कि अभी ये जो समय है जब मैं सो के उठा हूँ, यही इस दिन का सबसे पहला समय है, और उस समय अभ्यास करें, तो आप देखेंगे कि आपका नियम बन जाएगा। जो चीज़ हम बाकायदगी से करते हैं, वो हम फिर बार बार कर सकते हैं। तो जब भी हम उठें, चाहे किसी भी शिफ्ट में काम कर रहे हो, अगर जो पहले घंटे हैं, जो सुबह का समय है या उठने का समय है, उनको पहले हम अभ्यास में दें, फिर कुछ और करें, तो हम देखेंगे कि हमारी रुचि भी बढ़ेगी, हमारे अभ्यास भी बेहतर होंगे, और सारा दिन भी हमारा प्रेम से गुजरेगा, क्योंकि हमें तसल्ली होगी कि ये जो ज़रूरी काम था हमने कर लिया। नहीं तो जब और कामों में लग जाओ और लगता है कि ये काम करना है और वो होता नहीं हमसे, वो समय निकलता जाता है, तो और अलखत इंसान के अंदर बढ़ती चली जाती है और स्ट्रेस और स्ट्रेन और बढ़ता है। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको सबसे पहले करना चाहिए, और बाकी चीज़ें आस्ते 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 सारी की सारी ठीक ठाक होनी शुरू। निष्काम सेवा को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? हर एक इंसान सेवा तब करने की कोशिश करता है जब उसे लगता है कि किसी को ज़रूरत है। अगर हम अपने आसपास देखें, तो हम देखेंगे कि बहुत से भाई बहन हैं जो के नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, किसी को शायद खाने पीने में दिक्कत होती हो, किसी के पैसे शायद पैसे ना हो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, कोई और होंगे उनको शायद कपड़े खरीदने भी मुश्किल पड़ती हो। और ज़िंदगी में हम देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जो रोज़ की ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली इंसान ऊपर की ओर देखता है और नीचे की ओर नहीं। वो सोचता है कि शायद मेरे में कुछ प्रभु ने ऐसे कर दिया कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, और हम जो हमें लगता है हमारे पास है नहीं, उन्हीं चीज़ों को पूरा करते करते ज़िंदगी गुजार देते हैं। ये भूल जाते हैं कि बहुत से लोग हैं जिन्हें बड़ी तकलीफ़ें हैं। हॉस्पिटल में जाओ तो हज़ारों लोग दुखी हैं शारीरिक तकलीफ़ों से। बहुत सी जगहें हैं दुनिया में जहाँ बच्चों को एक बारी भी दिन में खाने को नहीं मिलता, और बहुत सी तकलीफ़ें हैं हर एक की ज़िंदगी में, जिसे जहाँ भी वो रहता है वहाँ तकलीफ़ हो रही है। तो निष्काम सेवा भाव इंसान के अंदर जागृत तब होता है जब वो अपनी निगाह ऊपर से हटाकर नीचे की ओर करता है, जब वो ये देखता है कि मेरी अपनी ज़िंदगी तो औरों से बहुत बेहतर है, कि मेरी अपनी ज़िंदगी में तो मेरे पास बहुत कुछ है। तब फिर वो औरों से बांटने की कोशिश करता है, उनको मदद करने की कोशिश करता है। तो रोज़ाना जब हम उठते हैं और प्रभु से शुक्रिया अदा करें कि प्रभु ने हमें इस हाल में रखा है जिसमें हम हैं, वो जाने कि बहुत से ऐसे हैं जिनकी
वो हालत नहीं। तो इंसान जब उस अवस्था में पहुंचता है, जब उसको अंदर से शुक्राना आता है, जब अंदर से उसे लगता है कि प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तभी निष्काम सेवा भाव के लिए उसके कदम बढ़ने शुरू होते हैं। तो हमें ये जानना है कि प्रभु की हम पर देन है, उन्हीं की देन से हमारी ज़िंदगी इस समय चल रही है। और बहुत से ऐसे हैं जो उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते। तो हमें अपनी ज़िंदगी में उन्हें दिलो जान से मदद करनी चाहिए और करनी है। जब इस किस्म के भाव इंसान के अंदर आते हैं, तभी वो सही मायने से सेवा करता है। और निष्काम सेवा तब हो जाती है जबकि किसी की मदद कर कर हम फिर कोई रिटर्न्स ना चाहें। बहुत सी बार इंसान जब किसी को कुछ देता है, चाहे शारीरिक रूप से आप मदद करे, चाहे मानसिक रूप से मदद करे, चाहे फिनेंशियली हेल्प करे, या किसी और तरीके से जब किसी को मदद करता है, तो उसके वास्ते वो कुछ वापस चाहता है। जब उस किस्म के भाव हों तो फिर वो जो देना है वो एक किस्म का बिजनेस हो गया, लेन देन हो गया। लेकिन जब भी हम मदद किसी की करें, इस भाव से करें कि हमें कुछ वापस नहीं चाहिए, कि हमने किसी की मदद कर दी क्योंकि प्रभु ने हमें मदद करने के लायक बनाया है। आजकल के टाइम में बहुत से फास्ट फूड चल रहे हैं, जैसे इंडिया में भी कई खुल गए हैं अब तो, और बाहर के देशों में तो बहुत सी जगह हैं जहाँ के कारों के ज़रिए इंसान पहले खाना ऑर्डर करता है और फिर विंडो पर जाता है और वहीं से उसको खाने की चीज़ें मिल जाती हैं जो भी चाहिए। तो कारों के ज़रिए लोग खाना वहाँ से ले लेते हैं, निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक वाक्य है रिसेंटली कि किसी ने जब अपना खाना लिया तो एक कप कॉफ़ी के पैसे ज़्यादा छोड़ दिए और कहा कि जो मेरे पीछे आ रहे हैं इनको कॉफ़ी का एक कप तो मेरी तरफ से दे देना। तो जब पीछे वाला आदमी आया विंडो पर, तो उन्होंने उसको कहा ये कॉफ़ी जो तुमने ऑर्डर करी थी इसके पैसे किसी और ने दे दिए, तुमको देने की ज़रूरत नहीं। तो उस इंसान ने कहा कि ठीक है, तुम जो मेरे पीछे आएगा ना उसको कॉफ़ी देना, मेरे से पैसे ले लो। तो वो कहते हैं कि कई लोग ऐसे एक 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 कर, क्योंकि एक ने मदद करी थी, दूसरा तीसरा चौथा पहला नंबर काफ़ी बिग था कि वो इतने लोग कंटिन्यूसली अगले के लिए मदद करते रहे। मदद ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि हम मदद इसलिए नहीं कर रहे कि हमें लग रहा है हमें कुछ वापस में फ़ायदा मिलेगा, पर मदद इसलिए कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि किसी की ज़िंदगी बेहतर हो, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, वो आराम से जी सके, जो उसके पास है नहीं वो ले सके। तो जब निष्काम भाव से इंसान सेवा करता है तो वो सेवा उसके लिए बड़ी ही सफल रहती है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डेलें सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊँचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो, जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे।
मेरी प्रभु के चरण कमलों में, जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सबके साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।